हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास टेंथ की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29 लेकर आई हूँ, जिसमें चैप्टर चल रहा है ट्रम्थ ऑफ सर्जरी। ठीक है, इसमें एक छोटे डॉग की कहानी है जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है, वो बहुत ही अमीर औरत के पास रहता था। ठीक है, और वो मतलब बहुत ही जैसे एक घर में एक कुत्ते को घर में ही रखते हैं, उसको बाहर घुमाते फिराते नहीं है, तो इस तरह से उसके हालत हो गए थे। वो खेलता भी नहीं था, बीमार सा रहता था। तो उनकी फैमिली का एक डॉक्टर था, मिस्टर हैरियट, तो उसने प्लान बनाया कि इसको घर से बाहर निकाला जाए और कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ले जा करके उसे रखा जाए ताकि उसकी सेहत में थोड़ा सुधार आए। तो वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है, वहाँ रखता है। वहाँ पे और भी डॉग होते हैं जिनको देख करके ट्रिकी थोड़ा ठीक होने लगता है। उसे एक दिन दो दिन सिर्फ पानी दिया जाता है, उसके बाद उसे खाना दिया जाता है। तो 2 वीक तक इस तरह ही उसको हॉस्पिटल में रख कर उसे ठीक किया जाता है। इस डॉग की जो मालकिन है उसका नाम है पैम्फ्री जो होती है, उसके पास फ़ोन करते हैं और फिर कहते हैं कि आपका डॉग ठीक हो चुका है 2 वीक बाद। तो वो बहुत खुश होती हैं। तो क्या करती हैं, उसके लिए खाने के सामान लेके आती हैं, जैसे 2 दर्जन एग लेके आती हैं, वाइन की बोतल लेके आती हैं और बहुत ही खुश होती हैं कि उनका डॉग सही हो गया है। तो इसी तरह से इस डॉग के बारे में आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। इसकी स्टोरी बच्चों यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी। तो इसका आंसर है ट्रिकी वाज केप्ट ऑन लिक्विड डाइट फॉर द फर्स्ट 2 डेज एंड देन हिज डाइट वाज ग्रेवली इंक्रीज्ड। यस, दिस ट्रीटमेंट डिड हेल्प ट्रिकी इन रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाई वाज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। आंसर है दैट नरेटर वाज टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी on as a permanent guest because Pomfrey had started bringing eggs, wine and brandy to build the strength of the tricky. The narrator and his partners started enjoying the eggs and wine all meant for tricky. ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, What was informed to message Pomfrey on phone? इसका आंसर है Mrs. Pomfrey was informed that the doctor saved the life of her dog. Number 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, Why does Mrs. Pomfrey think the dog recover is a triumph of surgery? Number 4 का आंसर है She declared Tricky's recovery as a triumph of surgery to express her happiness and gratitude toward the doctor. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्सप्रेस द एवरीथिंग इज बैड कमेंट इन द वेक ऑफ मिसेस पैम्फ्री लव फॉर ट्रिकी। आंसर है वी कैन सी दैट नॉट कंट्रोल ऑफ ट्रिकी ऑन हिज डाइट मेक हिम ओवरवेट एंड ही कांट इवन रन लाइक अदर डॉग्स एंड फॉल इल। दिस शोन दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। आंसर है ये वाला रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल का है, स्क्रीमेज, बी वाला रिकवरी फ्रॉम द इलनेस कन्वेंसलिंग, सी वाला है फ्लेक्सिबल का लेंथ, सी वाला फ्लेक्सिबल का लीथ। ठीक है, डी वाला है प्लेस वेयर सर्जन ट्रीट्स अ पेशेंट, इसका आंसर है सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एंटोमनी ऑफ द वर्ड ट्रम्प्थ, डिफीट और लॉस। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप या दोनों लिख सकते हो। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।